शासन ने निजी लैबों में किए जाने वाले सिटी स्कैन की धनराशि को 2000 से लेकर 2500 रुपए निर्धारित किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में सिटी स्कैन करने वाले प्राइवेट लैबों की धनराशि को अधिकतम 2500 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि पहले यह राशि लगभग 4000 से 5000 के बीच थी। उन्होंने बताया कि राशि निर्धारित होने पर अब प्राइवेट लैब ज्यादा धन उगाही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सिटी स्कैन के लिए अब 2500 रुपए ही दें। यदि कोई लैब निर्धारित धनराशि से अधिक धन वसूलता है तो इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी को दें, उसके पैसे को तत्काल वापस करवाया जाएगा। उन्होंने ये कहा, यदि कोई लैब संचालक निर्धारित धनराशि से अधिक धन वसूलता है तो उसके खिलाफ जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर आपको संबोधित हूँ आपसे। और आपने देखा होगा कि अभी कोविड काल में लोग एचआरसीटी करा रहे थे, अर्थात सीटी स्कैन करा रहे थे, और सामान्य तौर पे सीटी स्कैन का 5000 रुपये या इससे अधिक ले लिया जा रहा था। राज्य सरकार के द्वारा अब सीटी स्कैन की दरें निर्धारित कर दी गई। इस कार्य में जो कोविड की आशंका में जो सीटी स्कैन कराया जाता है उसकी दरें 2000 रुपए से 2500 तक, अधिकतम 2500 ही कोई व्यक्ति लेगा। मेरा अनुरोध है कि यदि कोई भी सीटी स्कैन वाला आपसे 2500 रुपए से ज़्यादा लेता है तो आप हमारे यहाँ इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं और आपका पैसा वापस कराया जाएगा। यदि कोई इससे ज़्यादा पैसा लेता है, अभी हम लोगों ने इसे प्रेस में दे दिया है जिससे जो सीटी स्कैन करने वाले हैं वो भी जान जाए, आम नागरिक भी जान जाए। इसके बावजूद यदि कोई पैसा लेता है उसको नोटिस जारी की जाएगी, आपका पैसा वापस कराया जाएगा। यदि उन्होंने अनजाने में लिया है और जानबूझ के लिया है तो उनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।